ये क्या है? इसकी बेल के पेपर। वकील साहब, अभी 15 मिनट पहले तो पकड़ा है इसे, और रात के 10:30 बजे आपको बेल के पेपर मिल कहाँ से गए? और इतनी जल्दी तो हम गाड़ी नहीं छोड़ते जितनी जल्दी तुम इसे छुड़वाने आ गए। माफ करना था साहब, इंडिया में सिर्फ 2 ही चिल्लेट आती हैं, एक पुलिस और दूसरा डेट पे जाने वाली लड़की, बाकी तो सब टाइम पे ही आता है। और आप अब छोड़ो मेरे क्लाइंट को। ठीक है वकील साहब, ले जाओ इसे। अगर आज थोड़ा सा लेट होते ना तो नीचे से डंडा करके ऊपर से उगलवाता कि क्या गुनाह किया है इसने। आओ बैठो, अब बताओ क्यों पकड़ा था तुम्हें पुलिस ने? अरे कुछ नहीं वकील साहब, एक छोटा सा मर्डर केस था। छोटा सा? चाकू छू के निकाल दिया था क्या? और किसका मर्डर करा था? आपसे पहले वाले वकील का। क्यों भाई, क्या हो गया था ऐसा? अरे कुछ नहीं वकील साहब, ऐसे छोटा मोटा वकील था। तो भाई साहब मारा क्यों? अरे कुछ नहीं वकील साहब, इससे पहले एक छोटे से चोरी के केस में पकड़ा था, इंसाफ नहीं दिला पाया, दिलाई तो सिर्फ क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छा तो फिर क्या हुआ भाई साहब? फिर क्या, एक दिन मैंने 2 क्वार्टर से ज़्यादा पी ली, उसी टाइम उसके घर गया और 1 क्वार्टर उसके सर पे फोड़ दिया। फिर क्या, मर गया? नहीं, बस खून निकला था, फिर वो केस लड़ने से मना करने लगा, मैंने 2वां क्वार्टर भी फोड़ दिया। फिर मर गया, अभी परसों ही 13वीं है उसकी तारीख। मेरा मतलब इंसाफ। नहीं भाई साहब, आप बस टाइम पे कोर्ट आ जाना, अपनी गांड तक का जोर लगा दूंगा पर आपको इंसाफ दिलाऊंगा। ठीक है वकील साहब, इंसाफ मिला तो ठीक, वरना 2 क्वार्टर तो मैं रोज पीता हूँ। हाँ बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ कि पैसे लेके? वकील साहब मुझे तलाक चाहिए। किससे? तुम्हारे बाप से। अम्मी? तुम्हारी अम्मी होगी तुम्हारे घर, मुझे मेरे पति से तलाक चाहिए। ओ माफ करना बहन जी, मुझे लगा पापा ने 4थी शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। खैर छोड़ो ये सब, आप बताओ तलाक क्यों चाहिए आपको? वकील साहब मेरे पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अच्छा तो आपको कब और कैसे पता चला कि आपके पति का चक्कर चल रहा है? कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं है? नहीं वकील साहब, कोई गलत फहमी नहीं है, मैंने नंगी आंखों से नंगा पकड़ा है। नंगा? बहन जी नंगा कहाँ पकड़ लिया? वही जिस ओयो में मैं गई थी। आपको किसने बताया वो उसी ओयो में? वकील साहब अगर मुझे पता होता मैं तो जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुद किसी और के साथ गई थी। तो आपने कभी समझाने की कोशिश करी अपने पति को कि ये सब गलत है? समझाया, बहुत बोला मैंने छोड़ दो ये पागलपन, तो कहने लगे पागल तो कच्चे में है, मैं तो ठीक हूँ। ठीक है तलाक तो मैं करा दूंगा, पर एक बार फिर सोच लो आपका और आपके बच्चों का क्या होगा। होगा क्या वकील साहब, बच्चे अपने असली बाप के साथ रहेंगे। असली बाप? मैं कुछ समझा नहीं। वकील साहब असली बाप तो वही है ना जिसके साथ मैं ओयो में गई थी। ठीक है बहन जी मैं सब समझ गया, आप एक काम करो इस पेपर पे अपने पति के साइन करा देना, बाकी डिवोर्स मैं करा दूंगा। हाँ जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ कि पैसा लेके? वकील साहब इन्हें केस करना है धोखाधड़ी का। केस तो मैं कर दूंगा पर इन्हें हुआ क्या है? वकील साहब सदमे में बेचारा। क्यों, ऐसा क्या हो गया इनके साथ? वकील साहब फलान पकड़ा दिया हाथ में, 3 दिन से पार्क में बेहोश पड़ा था, अभी उठा के लाया हूँ। फलान किसने पकड़ा दिया? वकील साहब 5 महीने से एक लड़की से ऑनलाइन फ़ोन पे बात कर रहा था, आई लव यू टू, इसकी माँ का भोसला उसकी माँ का भोसला सब हो गया था। फिर एक दिन मिलने की डेट फिक्स हो गई, पार्क में ले गया उसे, झाड़ी देख के जैसे ही इसने अपना फलान उसके हाथ में पकड़ाया उसने अपना पकड़ा दिया और बोली सेम पिंच, तब से बेचारे का यही हाल है। भाई साहब ये तो बहुत बुरा हुआ इनके साथ। वकील साहब लड़कियों पे से भरोसा उठ गया है बेचारे का, अभी आते में एक लड़की ने रास्ता पूछ लिया, अद्दा लेके पड़ गया उसके पीछे। अरे अरे भाई साहब ये क्या हो गया इन्हें? वकील साहब सदमे में बेचारा, इससे थोड़ा बड़ा था उसका। भाई साहब मेरी माना तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि इंसाफ तो इन्हें तभी मिलेगा जब ये जिंदा रहेंगे। सही कह रहे हो वकील साहब। ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई आप आओ बैठो। वकील इंसाफ तो तूने भी नहीं दिलाया, तूने भी दिलाई तो सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज है तेरी आखिरी तारीख। हे गाइस, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को।